नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आई गेस ये इस बहुत सबसे बड़ा दिन होना चाहिए इस दुनिया का, बिकॉज इससे तुम अपने लिए नहीं, तुम किसी और की लाइफ बचा रहे हो। सो इससे बड़ा कोई दिन तो हो ही नहीं सकता। आई गेस प्रोबेबली द ओनली डे विच कैन बी बिगर देन दी मदर्स डे, इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सॉरी, सेंटर, ओके। आज आपने देखा होगा काफी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया साइकिल रैली के थ्रू, किस तरह से इसको एवर और किया जा सकता है? मुझे लगता है कि ये जो अवेयरनेस कैंपेन है, इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड हर जगह पे, जितने प्रोबेबली जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, एंड नॉट ओनली ऑन दिस डे, बट अगर हर सीजन में अगर हम वंस इन अ क्वार्टर भी करते हैं तो भी अवेयरनेस बढ़ सकती है। और खासकर नॉट ओनली इन दिस, लाइक दिस इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी मुंबई, सो विच इज़ वेरी गुड, बट अगर छोटे छोटे शहरों में जाके भी अगर ये कोई स्टेप्स लेगा तो काबिले तारीफ होगा। आपने सोचा है ऑर्गन डोनेशन के लिए? डेफिनेटली डेफिनेटली, आई ऑर्गन एंड टिश्यू डोनर, आई विल बी देयर फॉर श्योर। ये हमारा लगातार थर्ड ईयर है जब NSS यूनिट नागिंदास खानवाला कॉलेज ऑर्गेनाइज कर रहा है विद द सपोर्ट ऑफ सेप्टलिस लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड। वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस ऑर्गन डोनेशन कैंपेन। पहले हमने उसका वॉकथॉन किया था, फिर हमने मैराथन किया था, इस बार हम लोग ने साइक्लोथॉन किया है। हम उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ अवेयर हो अबाउट द ऑर्गन डोनेशन एंड दे विल स्प्रेड दिस अवेयरनेस इन द सोसाइटी। वी हैव ऑल्सो पुट अप ऑर्गन डोनर कार्ड्स डेस्क, जहाँ पे बच्चों ने ऑर्गन डोनर कार्ड्स का रजिस्ट्रेशन किया है। आज की इस इवेंट में 100 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, और ना कि सिर्फ हमारी कॉलेज ने बट बाहर की भी 20 कॉलेजेस के बच्चे आए हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे मित्तल कॉलेज, सराफ कॉलेज, डालमिया कॉलेज, इन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू अवर कॉलेज प्रिंसिपल मैनेजमेंट कि ये बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेती है सारे सोशल कॉजेज के लिए। रैली करना पड़ रहा है कि बताने के लिए कि आपके जाने के बाद आप एक नहीं कई जिंदगी आप बचा सकते हो, और ये ऐसी एक चीज़ है जो हर जन को ऑलरेडी कर देना चाहिए बट नहीं किया है, और ये रैली वो मायने में बहुत इम्पोर्टेंट है। मराठी में कहावत है कि मरावे परी कीर्ति रूपी उरावे। विज्ञान की सहायता से आज हम चांद तक पहुँच चुके हैं, तो आज भी हमारे जितने भी अवयव है तो अवयव का प्रत्यारोपण आज आधुनिक युग में दिल्ली से मुंबई, मुंबई से पुणे तक हम
एरोप्लेन के द्वारा और ट्रैफिक के द्वारा हम पहुंचा रहे हैं। तो पिछले साल से हमने महाराष्ट्र शासन की तरफ से बड़ा अभियान चलाया है। पिछले साल भी केएम हॉस्पिटल में हमने 200 बच्चों का एक ऑर्गन डोनेशन का वर्कशॉप लिया था और पिछले साल से हर महाविद्यालय में ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं और बच्चों को मोटिवेट करें कि व्हाट इज़ ऑर्गन डोनेशन, उसका मतलब क्या है, हम किसको मदद कर सके। तो आजकल राष्ट्रीय सेवा योजना मुंबई विश्वविद्यालय विद्यापीठ तरफ से एक बड़े पैमाने पर यह हमारा अभियान सिंधुदुर्ग से लेकर तलाश तक हम ले रहे हैं और इसमें हर मेरा बच्चा 47,000 बच्चे है उसमें वो शामिल हो। हा जो एक प्रोग्राम ऑर्गनाइज केलेला सो दैट आम्ही अवेयरनेस स्प्रेड करू शकू ह्या एका खूप महत्त्वाच्या विषयावरती। आजकाल हा जो विषय आहे हा खूप गरजेचा आहे, असे भरपूर लोक आहेत जे डेली स्ट्रगल करतात कारण त्यांना अवयव मिळत नाही आहेत आणि जेव्हा आपली लोकसंख्या एवढी वाढली आहे तर जर आपण अवयवदान केलं, जर आपण ऑर्गन डोनेशनसाठी जागरूक राहिलो, तटस्थ राहिलो तर खूप लोकांचं आयुष्य अजून हलकं होऊ शकतं, इझी होऊ शकतं आणि हा एक तोच प्रयत्न आहे छोटासा त्या दिशेने पावलं टाकण्यामध्ये। 95 बॅच का स्टुडंट हूँ, 1995 में क्लिअर किया था, पर हर साल ऐसे एक्टिविटीज से मैं कॉलेज से अभी तक जुड़ा हुआ हूँ। हर साल हम कुछ ना कुछ अलग थीम लेके ये एनकाथॉन करते हैं, साइक्लाथॉन करते हैं। लास्ट टाइम भी एनकाथॉन का भी यही मोटिव था, ऑर्गन डोनेशन। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।